सकता है। वैक्सीन के लिए तो इमरजेंसी में बहुत सारे काम हुए कि अच्छा ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये काम इसके लिए भी हो जाता तो इतने दिनों तक हमको ये लानत नहीं झेलनी पड़ती है कि बाबा तो बावड़ा है। अब लोगों को लग रहा है अरे बाबा तो सियाणा निकला है भाई, जो है ये तो सब साइंटिफिक बातें कर रहे हैं। और जो भी मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज हमारे पास में दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है योग आयुर्वेद और अपने परंपरागत ज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए। उसकी आधारशिला रखी थी हर्षवर्धन साहब ने, उसका उद्घाटन किया था मोदी साहब ने, और खाली ये पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहता। आप लोगों को सब उसके साक्षी रहे, इतना बड़ा पूरा आयोजन सारे देश ने देखा था। अब हमने 100 से ज्यादा तो नई दवाइयां बना दी, और आगे मैं आपको कह रहा हूं पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड, नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ लौटेगी। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। और अभी तो हमारे हर्षवर्धन साहब जो है WHO की जो गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन है, मैं तो कहता हूं WHO का हेड ऑफिस आने वाले 30 सालों में भारत में बने, ये लक्ष्य लेकर के मैं चल रहा हूं। और भारत केवल आरोग्य के संदर्भ में नहीं, आर्थिक समृद्धि के बारे में भी आज वर्ल्ड बैंक, IMF और UNO तो हमको स्थायी सदस्य तक मानने के लिए तैयार नहीं। तो भारत की ताकत हमें बढ़ानी है, आरोग्य तक बात नहीं रहनी चाहिए, उससे आगे भी हमें जाना है। और आपको तो पता है मैं तो पंगेबाज आदमी, और हमने पंगा ले रखा है, बिना दंगा किए पंगा करते हैं। पंगा ये ले रखा है कि देश के और दुनिया के लोगों को एक सस्टेनेबल हेल्थ मिले जिसमें किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना हो, कोई केमिकल्स का जहर ना हो, और वो भी उपचार और उपकार की भावना से। ये यदि कोई दूसरी कंपनियां बनाती, विदेशी कंपनियां, उनको कोई मेडिसिन मिल जाती, अभी तो प्रिवेंशन ही में अटके हुए हैं, तो कम से कम 5-10 हजार रुपए की बेचते वो लोग। हमने 535 रुपए की तब दी थी, जब 5 हजार रुपए की ब्लैक में बिक रही थी कोरोनिल और सहसारी, 535 की, ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ गई तो हमने रेट बढ़ा दिया हो। और इससे भी जो अर्थ अर्जित होता है वो सारा परमार्थ के लिए लगाते हैं, माने एक पैसा स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण उपयोग नहीं करते। हम तो जैसे 30 साल पहले थे वैसे ही आज हैं, वैसे ही जमीन पर सोते हैं। और एक ही मकसद है कि हमें करोड़ों लोगों का भला करना, और ये भारत जो कभी एक 18वीं शताब्दी में जो इसका कभी स्वर्ण काल था, इसको वहां तक वापस लेकर के जाना है। आज आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है। पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए सुबह सुबह योग और दिन भर कर्मयोग करके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके विकल्प रहित संकल्प के साथ इस देश को वहां लेकर के जाना है जहां सारी दुनिया कहे भारत सभी दिशाओं से सर्वश्रेष्ठ। ये बताइए फिर, अब ये वैक्सीन का राउंड चल रहे हैं, तीसरा दौर आना है, वैक्सीन लगवानी है नहीं लगवानी? वैक्सीन जिनको लगवानी वो लगवाए, सरकार तो सबको लगवानी चाहिए, सबको लगाने के लिए तो सरकार कह ही नहीं रही। अभी कह दे जो अभी तो हेल्थ वर्कर्स है, पैरामेडिकल, तो मैंने अपना 10वें राउंड में नाम लिखवाया हुआ है। और आपसे भी कहूंगा, आप भी इतने फिट हो, मैं देख रहा हूँ पिछले 2.5 दशकों से किशोर जी किशोर ही बने हुए हैं, तो मैं सबको किशोरी देखना चाहता हूँ। और वो सुबह सुबह योगाभ्यास करें, सहसारी कोरोनिल बिना संक्रमित हुए भी खा लें तो संक्रमित होंगे। वैक्सीन आप लगवाएंगे? मैंने कहा ना 10वें राउंड में नाम लिखवाया हुआ है, और तब तक शायद कोरोना का स्ट्रेन इतना कमजोर पड़ जाएगा, सर्दी जुकाम से भी कमजोर नहीं। तो ये चक्कर क्या हो रहा है ना कि कई लोग एक जो दो डोज लगवानी है वैक्सीन की, एक लगवा रहे हैं दूसरी नहीं लगवा रहे हैं, सरकार कह रही है भाई दूसरी लगवा रहे हैं, उनको तो दोनों ही लगवानी चाहिए, और जिनका पहले नंबर उनको पहले लेना चाहिए। आप जैसे हमारे जैसे जो स्वस्थ लोग हैं उनको अपना नाम लास्ट में ही रखना चाहिए, ये कोई प्रसाद थोड़ी बट रहा है। अरे भाई पहले जिनको जो मेडिकल वाले पैरामेडिकल वाले स्टाफ हैं जो अलग तरह की जॉब में है, या जो बेचारे कमजोर लोग हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, बाकी दूसरे, और उनको भी एक बात और कहना चाहता हूँ, जो है वैक्सीन लगाने पर झटका जोर का लगता है 3 दिन के लिए, कुछ साइड इफेक्ट्स भी कई लोग बताते हैं, उस झटके से उभरने के लिए भी पहले कोरोनिल खा लो, लगवा लो, पहले कपाल भाती अनुलोम विलोम करा लो, नहीं तो पता लगा वो वैक्सीन का झटका ही नहीं झेल पाए। वैक्सीन के साथ कोरोनिल ने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोरोनिल प्रिवेंशन भी करेगी, कोरोनिल क्योर भी करेगी, ट्रीटमेंट भी करेगी, और प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, और आफ्टर जो इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो इफेक्ट है उसको रोकने में भी काम करेगी। जैसे एलोपैथी की दवाओं में कहा जाता है ना भाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं, इसके नहीं उसके ना, इसमें अब वो सवाल आएंगे ना कि ये तो बस बाबा जी ने कह दिया और लोग खा रहे हैं। देखो हमने सलाह भी बता दी है, साइड इफेक्ट स्टडी करी है हम लोगों ने, पूरी टॉक्सिकोलॉजी करी है,
बड़े लेवल पर करी है, अलग अलग डोजेस पे करी है, क्योंकि लोग नॉर्मली कई बार कह देते हैं ना कि खाली तो थोड़ी गर्मी लग रही जी, खाली तो पेट में ऐसा, तो इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट इसमें किसी भी तरह से नहीं देखा गया। अभी कोरोना नहीं होगा क्या ये दावा है? दावा नहीं किया जा सकता कि आज रोटी खा करके हमको जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी, तो खानी पड़ती है। तो इसमें यह है कि इसका इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, वो भी अभी हम और स्टडी करेंगे कि